श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य पंचमो अध्याय। आज हम पढ़ेंगे रामायण के नवान्न श्रवण की विधि, महिमा तथा फल का वर्णन। सूत उवाच। रामायणस्य महात्म्यम् श्रुत्वा प्रीतो मुनीश्वरः सनत्कुमारः पप्रच्छ नारदं मुनिसत्तमम्। तो सूत जी कहते हैं, रामायण का यह महात्म्य सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से पुनः जिज्ञासा की। सनत कुमार वाच। रामायणस्य महात्म्यं कथितं वै मुनीश्वर इदानीं श्रोतुम् इच्छामि विधिं रामायणस्य च। एतच्चापि महाभाग मुने तत्त्वार्थ कोविद कृपया परयाविष्टो यथावद् वक्तुम् अर्हसि। तो सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, आपने रामायण का महात्म्य कहा, अब मैं उसकी विधि सुनना चाहता हूँ। तो महाभाग मुने, आप तत्वार्थ ज्ञान में कुशल हैं, अतः अत्यंत कृपा पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से बताएं। नारद उवाच। रामायण विधिं चैव शृणुध्वं सुसमाहिताः सर्वलोकेषु विख्यातं स्वर्गमोक्ष विवर्धनं विधानं तस्य वक्ष्यामि शृणुध्वं गदतो मम रामायण कथां कुर्वन् भक्तिभावेन भावितः येन चीर्णेन पापानां कोटि कोटि प्रणश्यति चैत्रे माघे कार्तिके च पंचम्याम अथवार्भे। तो नारद जी ने कहा, हे महर्षियों, तुम लोग एकाग्रचित होकर रामायण की वह विधि सुनो जो संपूर्ण लोकों में विख्यात है। वह स्वर्ग तथा मोक्ष संपत्ति की वृद्धि करने वाली है। मैं रामायण कथा श्रवण का विधान बता रहा हूँ, तुम सब लोग उसे सुनो। रामायण कथा का अनुष्ठान करने वाले वक्ता एवं श्रोता को भक्तिभाव से भावित होकर उस विधान का पालन करना चाहिए। उस विधि का पालन करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र माघ तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कथा आरंभ करनी चाहिए। संकल्पं तु ततः कुर्यात् स्वस्ति वाचन पूर्वकम् अहोभिर्नवभिः श्राव्यम् रामायण कथामृतम् अद्य प्रभृत्यहम् राम शृणोमि तत्त्वत् कथामृतम् प्रत्यहम् पूर्णतामेतु तव राम प्रसादतः। तो पहले स्वस्ति वाचन करके फिर यह संकल्प करें कि हम 9 दिन तक रामायण की अमृतमयी कथा सुनेंगे। फिर भगवान से प्रार्थना करें, श्री राम, आज से प्रतिदिन मैं आपकी अमृतमयी कथा सुनूंगा अथवा सुनूंगी, यह आपकी कृपा प्रसाद से परिपूर्ण हो। यह हम पहले भी बता चुके हैं कि रामायण के पढ़ने सुनने के लिए कोई मुहूर्त की यूं तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन अत्यंत फलप्रद होता है यदि इस विधि अनुसार रामायण का पाठ किया जाए। तो अभी हमारा ये पाठ काफी समय तक चलेगा, क्योंकि वाल्मीकि रामायण बहुत बड़ी है। छोटे छोटे अध्यायों में बांटकर मैं इसे आपको सुना रही हूँ। प्रत्यहम दंत शुद्धिम च अपामार्गस्य शाखया कृत्वा स्नायीत विधेव राम भक्ति परायण स्वयं च बंधुभिः साधं शृणुयात् प्रयतेन्द्रियः स्नानं कृत्वा यथाचारं दंतधावन पूर्वकं शुक्लांबरधरः शुद्धो गृहमागत्य वाग्यतः प्रक्षाल्य पादावाचम्य स्मरे नारायणं प्रभुं। नित्य प्रति अपामार्ग की शाखा से दंत शुद्धि करके
राम भक्ति में तत्पर हो, विधि पूर्वक स्नान करें, अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं कथा सुने। पहले अपने कुलाचार के अनुसार दंत धावन पूर्वक स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करें और शुद्ध हो घर आकर मौन भाव से दोनों पैर धोने के पश्चात आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करें। नित्य देवार्चनम कृत्वा पश्चात संकल्प पूर्वकम रामायण पुस्तकम च अर्चयेत् भक्ति भावतः। आवाहनासनाद्यैश्च गंध पुष्पादेभिर्व्रति ओम नमो नारायणायेति पूजयेत् भक्ति तत्परः। एकवारं द्विवारं वा त्रिवारं वापि शक्तितः होमं कुर्यात् प्रयत्नेन सर्व पाप निवृत्तये। एवं यः प्रयतः कुर्याद् रामायण विधिं तथा स याति विष्णु भवनं पुनरावृत्ति दुर्लभम्। तो फिर प्रतिदिन देव पूजन करके संकल्प पूर्वक भक्ति भाव से रामायण ग्रंथ की पूजा करें। व्रति पुरुष आवाहन आसन गंध पुष्प आदि के द्वारा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से भक्ति परायण होकर पूजन करें। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार एक दो या तीन बार प्रयत्न पूर्वक होम करें। इस प्रकार जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर रामायण की विधि का अनुष्ठान करता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहां से लौटकर वह फिर इस संसार में नहीं आता। रामायण व्रत धरो धर्मकारी च सत्तमः चांडालम पतितम वापि वस्त्रान्नेनापि नार्चयेत् नास्तिकान भिन्न मर्यादान निंदकान पिशुनानपि रामायण व्रत परो वाम मात्रेनापि नार्चयेत् कुंडाशिनम गायकम च तथा देवलकाशनम भिषजम काव्यकर्तारम देवद्विज विरोधिनम परान लोलुपम चैव परस्त्री निरतम तथा रामायण व्रत परो वाम मात्रेणापि नार्चयेत्। तो जो रामायण संबंधी व्रत को धारण करने वाला तथा धर्मात्मा है वह श्रेष्ठ पुरुष चांडाल अथवा पतित मनुष्य का वस्त्र और अन्न से भी सत्कार न करे। जो नास्तिक धर्म मर्यादा को तोड़ने वाले पर निंदक और चुगलखोर हैं, उनका रामायण व्रतधारी पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। जो पति के जीवित रहते ही पर पुरुष के समागम से माता द्वारा उत्पन्न किया जाता है उस जारज पुत्र को कुंड कहते हैं। ऐसे कुंड के यहाँ जो भोजन करता है, देवता पर चढ़ी हुई वस्तु का उपभोग करने वाले मनुष्य का अन्न खाता है, लोगों की मिथ्या प्रशंसा में कविता लिखता है, देवताओं तथा ब्राह्मणों का विरोध करता है, पराए अन्न का लोभी है और परस्त्री में आसक्त रहता है, ऐसे मनुष्य का भी रामायण व्रती पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। इत्यमेवादिभिः शुद्धो वशी सर्वहितेरतः रामायण परो भूत्वा पराम सिद्धिं गमिष्यति नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति मात्र समो गुरुः नास्ति विष्णु समो देवो नास्ति रामायणात् परम नास्ति वेद समम शास्त्रम नास्ति शांति समम सुखम नास्ति शांति परम ज्योतिर्नास्ति रामायणात् परम नास्ति क्षमा समम सारम नास्ति कीर्ति समम धनम नास्ति ज्ञान समो लाभो नास्ति रामायणात् परम। तो इस प्रकार दोषों से दूर एवं शुद्ध होकर
जितेंद्रिय एवं सबके हित में तत्पर रहते हुए जो रामायण का आश्रय लेता है वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। गंगा के समान तीर्थ, माता के तुल्य गुरु, भगवान विष्णु के सदृश देवता तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं है। वेद के समान शास्त्र, शांति के समान सुख, शांति से बढ़कर ज्योति तथा रामायण से उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं है। क्षमा के सदृश बल, कीर्ति के समान धन, ज्ञान के सदृश लाभ तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम ग्रंथ नहीं है। तदंते वेद विदुषे गाम दद्याच्च सदक्षिणाम रामायणं पुस्तकं च वस्त्रालंकरणादिकं। रामायण पुस्तकं यो वाचकाय प्रयच्छति स याति विष्णु भवनं यत्र गत्वा न शोचति। रामायण के अंत में वेदज्ञ वाचक को दक्षिणा सहित गौ का दान करें, उन्हें रामायण की पुस्तक तथा वस्त्र और आभूषण आदि दें। जो वाचक को रामायण की पुस्तक देता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहां जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। नवाहज फलम करतु शृणु धर्म विदाम्बर पंचम्याम तु समारभ्य रामायण कथामृतम् कथा श्रवण मात्रेण सर्व पापै प्रमुच्यते यदि द्वयं कृतं तस्य पुंडरीक फलं लभेत व्रतधारी तु श्रवणं यः कुर्यात् स जितेन्द्रियः अश्वमेधस्य यज्ञस्य द्विगुणं फलमश्नुते चतुः कृत्वः श्रुतम येन कथितं मुनिसत्तमाः स लभेत् परमं पुण्यमग्निष्टोमाष्टसंभवम्। तो हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सनत कुमार, रामायण की नवान्न कथा सुनने से यजमान को जो फल प्राप्त होता है अब उसे ध्यान से सुनो। पंचमी तिथि को रामायण की अमृतमयी कथा को आरंभ करके उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि दो बार यह कथा श्रवण की गई तो श्रोता को पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। जो जितेंद्रिय पुरुष व्रत धारण पूर्वक रामायण कथा को श्रवण करता है वह दो अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। हे मुनिवरो, जिसने चार बार इस कथा का श्रवण किया है वह 8 अग्निष्टोम के परम पुण्य फल का भागी होता है। पंचकृत्वो व्रतमिदं कृतम येन महात्मना अत्यग्निष्टोमजं पुण्यं द्विगुणं प्राप्नुया नरः एवं व्रतं च षड्वारं कुर्याद्यस्तु समाहितः अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य फलमष्ट गुणं लभेत। नारी वा पुरुषः कुर्यादष्ट कृत्वो मुनीश्वराः नरमेधस्य यज्ञस्य फलं पंच गुणं लभेत। जिस महामनस्वी पुरुष ने 5 बार रामायण कथा श्रवण का व्रत पूरा कर लिया है वह अत्यग्निष्टोम यज्ञ के द्विगुण पुण्य फल का भागी होता है। जो एकाग्रचित होकर इस प्रकार 6 बार रामायण कथा के व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लेता है वह अग्निष्टोम यज्ञ के 8 गुने फल का भागी होता है। तो हे मुनीश्वरो, स्त्री हो या पुरुष, जो 8 बार रामायण कथा को सुन लेता है वह नरमेध यज्ञ का 5 गुना फल पाता है। नरो वाप्यथ नारी वा नववारं समाचरेत् गोमेध सवजं पुण्यं स लभेत् त्रिगुणं नरः रामायणं तु यः कुर्याच्छान्तात्मा प्रयतेन्द्रियः स याति परमानन्दं
यत्र गत्वा न शोचति रामायण परो नित्यम् गंगा स्नान परायणः धर्म मार्ग प्रवक्तारो मुक्ता एव न संशयः। अब जो स्त्री या पुरुष 9 बार इस व्रत का आचरण करता है उसे 3 गोमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है, और जो पुरुष शांत चित्त और जितेंद्रिय होकर रामायण यज्ञ का अनुष्ठान करता है वह उस परमानंदमय धाम में जाता है जहां जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। जो प्रतिदिन रामायण का पाठ अथवा श्रवण करता है, गंगा नहाता है और धर्म मार्ग का उपदेश देता है, ऐसे लोग संसार सागर से मुक्त ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यति नाम ब्रह्मचारिणाम प्रवीराणाम च सत्तमाः नवान्हा किल श्रोतव्या कथा रामायणस्य च श्रुत्वा नरो राम कथामति दीप्तो अति भक्तितः ब्रह्मणः पद्मासाद्य तत्रैव परिमोदते तस्मात् शृणुध्वम विपेन्द्रा रामायण कथामृतम् श्रोतृणां च परम श्राव्यम् पवित्राणाम अनुत्तमम्। तो हे महात्माओं, यतियों, ब्रह्मचारियों तथा प्रवीरों को भी रामायण की नवान्न कथा सुननी चाहिए। राम कथा को अत्यंत भक्तिपूर्वक सुनकर मनुष्य महान तेज से उद्दीप्त हो उठता है और ब्रह्मलोक में जाकर वहीं आनंद का अनुभव करता है। इसलिए हे विपेंद्र गण, आप लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। श्रोताओं के लिए यह सर्वोत्तम श्रवणीय वस्तु है और पवित्रों में भी परम उत्तम है। दुःस्वप्न नाशनम धन्यम श्रोतव्यम च प्रयत्नतः नरो अत्र श्रद्धया युक्तः श्लोकम श्लोकार्धमेव च पठते मुच्यते सद्यो ह्युपपातक कोटिभिः सतामेव प्रयोक्तव्यम् गुह्याद् गुह्यतमम् तु यत् वाचयेत् राम भवने पुण्यक्षेत्रे च संसदि ब्रह्मद्वेषरतानां च दम्भाचार रतात्मनां लोकवञ्चक वृत्तीनां न ब्रूयादेदमुत्तमम्। तो इसलिए हे विपेंद्र गण, आप लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। श्रोताओं के लिए यह सर्वोत्तम श्रवणीय वस्तु है और पवित्रों में भी परम उत्तम है। दुःस्वप्न को नष्ट करने वाली यह कथा धन्य है, इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर इसका एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह तत्काल ही करोड़ों उपपातकों से छुटकारा पा जाता है। यह गुह्य से भी गुह्यतम वस्तु है, इसे सत्पुरुषों को ही सुनाना चाहिए। भगवान श्री राम के मंदिर में अथवा किसी पुण्य क्षेत्र में सत्पुरुषों की सभा में रामायण कथा का प्रवचन करना चाहिए। जो ब्रह्मद्रोही पाखंड पूर्ण आचार में तत्पर तथा लोगों को ठगने वाली वृत्ति से युक्त है उन्हें यह परम उत्तम कथा नहीं सुनानी चाहिए। त्यक्त कामादि दोषाणाम राम भक्तिर तात्मनाम गुरु भक्ति रतानाम च वक्तव्यम मोक्ष साधनम सर्वदेव मयो रामः स्मृतश्चार्ति प्रणाशनः सद्भक्त वत्सलो देवो भक्त्या तुष्यति नान्यथा अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते वा स्मृते अपि वा विमुक्त पातकः सो अपि परमं पदमश्नुते। तो जो काम आदि दोषों का त्याग कर चुके हैं, जिनका मन राम भक्ति में अनुरक्त रहता है तथा जो गुरुजनों की सेवा में तत्पर हैं, उन्हीं के समक्ष यह मोक्ष की साधन भूत कथा बांचनी चाहिए। श्री राम सर्वदेवमय माने गए हैं,
वे आर्त प्राणियों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं तथा सभी भक्तों पर स्नेह रखते हैं। वे भगवान भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। तो मनुष्य विवश होकर भी उनके नाम का कीर्तन अथवा स्मरण कर लेने पर समस्त पातकों से मुक्त होकर परम पद का भागी हो जाता है। संसार घोर कांतार दावाग्निर मधुसूदन स्मर्तृणाम सर्व पापानि नाशयत्याशु सत्तमाः तदर्थकमिदं पुण्यम काव्यम श्राव्यम मनुत्तमम श्रवणात् पठनात् वापि सर्व पाप विनाशकृत यस्य राम रसे प्रीति वर्तते भक्ति संयुता स एव कृत कृत्यश्च सर्व शास्त्रार्थ कोविदः। तो हे महात्मा, भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को भस्म करने के लिए दावानल के समान है। वे अपना स्मरण करने वाले मनुष्यों के समस्त पापों का शीघ्र ही नाश कर देते हैं। इस पवित्र काव्य के प्रतिपाद्य विषय वे ही हैं। अतः ये परम उत्तम काव्य सदा ही श्रवण करने योग्य है। इसका श्रवण अथवा पाठ करने से यह समस्त पापों का नाश करने वाला है। जिसकी श्री राम रस में प्रीति एवं भक्ति है, वही संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में निपुण और कृतकृत्य है। तदर्जितम तपः पुण्यम तत्सत्यम सफलम द्विजाः यदर्थ श्रवणे प्रीतिरन्यथा नहि वर्तते रामायण पराये तु राम नाम परायणाः तैव कृतकृत्याश्च घोरे कलयुगे द्विजाः नवान्हा किल श्रोतव्यम् रामायण कथामृतम् ते कृतज्ञा महामानस्तेभ्यो नित्यं नमो नमः राम नामैव 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 मम जीवनम् कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। तो हे ब्राह्मणों, उसकी उपार्जित की हुई तपस्या पवित्र सत्य और सफल है, क्योंकि राम रस में प्रीति हुए बिना रामायण के अर्थ श्रवण में प्रेम नहीं होता। जो द्विज इस भयंकर कलिकाल में रामायण तथा श्री राम नाम का सहारा लेते हैं, वे ही कृतकृत्य हैं। रामायण की इस अमृतमयी कथा का नवान श्रवण करना चाहिए। जो महात्मा ऐसा करते हैं वे कृतज्ञ हैं। उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। श्री राम का नाम, केवल श्री राम का नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में और किसी उपाय से जीवों की सद्गति नहीं होती, संभव ही नहीं है। सूत उवाच एवं सनत कुमारस्तु नारदेन महात्मना सम्यक् प्रबोधितः सद्यः पराम निवृत्तिमापः तस्मात् शृणुध्वं विपेन्द्र रामायण कथामृतं नवान्हा किल श्रोतव्यं सर्व पापैः प्रमुच्यते श्रुत्वा चैतन्महाकाव्यं वाचकं यस्तु पूजयेत् तस्य विष्णुः प्रसन्नः स्यात् श्रिया सह द्विजोत्तमा। तो सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद जी के द्वारा इस प्रकार ज्ञानोपदेश पाकर सनत कुमार जी को तत्काल ही परमानंद की प्राप्ति हो गई। तो विप्रवरो, अब तुम सब लोग भी रामायण की अमृतमयी कथा सुनो। रामायण को 9 दिनों में सुनने से समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हे द्विजोत्तमो, इस महान काव्य को सुनकर जो वाचक की पूजा करता है, उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वाचके प्रीतिमापन्ने ब्रह्म विष्णु महेश्वरः प्रीता भवन्ति विपेन्द्रा
नात्र कार्या विचारणा। रामायण वाचकाय गावो वासांसि कांचनम्, रामायण पुस्तकम् च दद्यात् वित्तानुसारतः, तस्य पुण्य फलम् वक्ष्ये शृणुध्वम् सुसमाहिताः, न बाधन्ते ग्रहास्तस्य भूतवेतालकादयः। तस्यैव सर्वश्रेयांसि वर्धन्ते चरितेषु ते, न चाग्निर्बाधते तस्य न चौरादि भयं तथा। एतज्जन्मार्जितैः पापैः सद्यैव विमुच्यते, सप्तवंश समेतस्तु देहान्ते मोक्षमाप्नुया। तो हे विपेंद्रगण, वाचक के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। रामायण के वाचक को अपने वैभव के अनुसार गौ, वस्त्र, सुवर्ण तथा रामायण की पुस्तक आदि वस्तुएं भेंट करनी चाहिए। उस दान का पुण्य फल यह है कि उस दाता को ग्रह तथा भूत वेताल आदि कभी बाधा नहीं पहुंचाते। श्री राम चरित्र का श्रवण करने पर श्रोता के संपूर्ण श्रेय की वृद्धि होती है। उसे ना तो अग्नि की बाधा प्राप्त होती है, न चोर आदि का भय ही होता है। वह इस जन्म में उपार्जित किए हुए समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। वह इस शरीर का अंत होने पर अपनी सात पीढ़ियों के साथ मोक्ष का भागी होता है। इत्येतद्यः समाख्यातम् नारदेन प्रभाषितम्, सनत कुमार मुनये पृच्छते भक्तितः पुरा। रामायणम् आदिकाव्यम् सर्ववेदार्थसम्मतम्, सर्वपापहरं पुण्यम् सर्वदुःखनिबर्हणम्, समस्त पुण्यफलदम् सर्वयज्ञफलप्रदम्। ये पठन्यत्र विबुधाः श्लोकम् श्लोकार्धमेव च, न तेषां पापबन्धस्तु कदाचिदपि जायते। तो पूर्व काल में सनत कुमार मुनि के भक्ति पूर्वक पूछने पर नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। रामायण आदि काव्य है, यह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। इसके द्वारा समस्त पापों का निवारण हो जाता है। यह पुण्यमय काव्य संपूर्ण दुखों का विनाशक तथा समस्त पुण्यों और यज्ञों का फल देने वाला है। जो विद्वान इसके एक या आधे श्लोक का भी पाठ करते हैं, उन्हें कभी पापों का बंधन नहीं प्राप्त होता। श्री राम को समर्पित किया हुआ यह पुण्य काव्य संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। रामार्पितमिदं पुण्यम् काव्यम् तु सर्वकामदम्, भक्त्या शृण्वन्ति विदन्ति तेषां पुण्यफलं शृणुः। शतजन्मार्जितैः पापैः सद्य एव विमोचिताः, सहस्रकुलसंयुक्तैः प्रयान्ति परमं पदम्। किं तीर्थैर्गोप्रदाननैर्वा किं तपोभिः किमध्वरैः, अहन्यहनि रामस्य कीर्तनं परिशृण्वताम्। श्री राम को समर्पित किया हुआ यह पुण्य काव्य संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो लोग भक्तिपूर्वक इसे सुनते और समझते हैं, अब उनको प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनिए। वे लोग 100 जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो अपनी हजारों पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं। जो प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं, उनके लिए तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या तथा यज्ञों की भला क्या आवश्यकता है। चैत्रे माघे कार्तिके च रामायण कथामृतम्, नवैर्हो भी श्रोतव्यम् रामायण कथामृतम्।
राम प्रसाद जनकम राम भक्ति विवर्धनम सर्व पाप क्षयकरम सर्व संपद विवर्धनम यस्त्वेतत् शृणुयाद् वापि पठेत् वा सुसमाहितः सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। तो वे लोग 100 जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो अपनी हजारों पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं। जो प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं उनके लिए तीर्थ सेवन गोदान तपस्या तथा यज्ञों की भला क्या आवश्यकता है। चैत्र माघ तथा कार्तिक में रामायण की अमृतमयी कथा का नवान पारायण सुनना चाहिए। रामायण श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता प्राप्त कराने वाला, श्री राम भक्ति को बढ़ाने वाला, समस्त पापों का विनाश करने वाला तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि कराने वाला ग्रंथ है। तो जो एकाग्रचित्त होकर रामायण को सुनता है अथवा पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में श्री नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य के प्रसंग में फल का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूरा होता है। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्य फलानुकीर्तनम नाम 5वां अध्याय। कल से मूल रामायण का पाठ प्रारंभ होगा, प्रथम सर्ग से, बालकांड से। प्रतीक्षा कीजिएगा, इस पाठ के साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः।